नमस्कार दोस्तों, नमस्कार न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत में पानी की कमी आम बात है। हर साल भारत में सूखा पड़ता है। जैसे जैसे देश की आबादी बढ़ रही है, ये समस्या भी बढ़ती ही जा रही है। गर्मियों में तो ये अपना विकराल रूप भी दिखाती है। मुंबई भी इस समस्या से बची नहीं है। दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे जो इस समस्या का समाधान करते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं। नाम है यश शाह जी। यश शाह जी, आपका स्वागत है। नमस्कार यश शाह जी। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि पानी की इतनी किल्लत है, बोरवेल सूख रहे हैं, कुएं सूख रहे हैं, फिर भी आप उनकी समस्याओं का समाधान कैसे करते हैं? देखिए, पानी कोई भी ज़मीन में पैदा नहीं होता है, ये बारिश होती है। बारिश की वजह से ही वो पानी अपने को कुएं में और बोरवेल में मिलता है। तो पानी को अगर हमको सस्टेन करना है, हर साल अगर अपने को वही कुएं से पानी मिलना चाहिए, तो उस प्रॉब्लम के लिए हम बारिश का पानी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा वो पानी को रिचार्ज करना चाहिए। अभी हार्वेस्टिंग कहाँ, सब जगह हो सकता है। जैसे कुदरत अपना रूप लेती है, पानी अपना रूप लेता है, अलग अलग फॉर्मेशन में, अलग अलग जगह पे, कहीं पे 200 फुट पे पानी मिलता है, कहीं पे 300 पे मिलता है, कहीं ज़्यादा नीचे मिलता है। वो पत्थर की क्वालिटी के ऊपर पानी का स्रोत और लेवल डिपेंड करता है। बोरवेल एक बहुत बड़ा विषय है। वो सिंपली एक खड्डा खोदना मतलब बोरवेल नहीं होता है। इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। ड्रिलिंग के समय पानी का जो अपने को क्वांटिटी चाहिए, जैसे किसान के पास 2 एकड़ खेती है तो उसको क्या पानी चाहिए, कितना पानी चाहिए, वो हिसाब से ड्रिलिंग का लोकेशन सिलेक्ट होता है। ज़मीन की टोपोग्राफी समझ के, जैसे जियोलॉजी है, फिर नेचुरल ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, जैसे अपने आप उगे झाड़ पान पौधे या बड़े ट्रीज, जो अपने को पानी का बिहेवियरल मूवमेंट बताता है कि पानी कहाँ से कैसे फ्लो होगा। तो अगर ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के हम अगर ड्रिलिंग करेंगे तो पानी डेफिनेटली मिलता है। ये हमारी भाषा में इसको हम ग्रेविटी वेल बोलते हैं। जैसे समझो एक पहाड़ है, उस पर जब बारिश गिरती है तो पानी सब जगह से फ्लो नहीं होता है, वो एक पर्टिकुलर झरने के थ्रू आता है, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम ग्रेविटी वेल बोलते हैं। अगर वो ग्रेविटी बेल्ट में अगर आप ड्रिलिंग करते हो, उसको अगर आप पहचान सकते हो, अगर आपका जो हाइड्रोजियोलॉजिस्ट है या आपका जो पानी देखने वाला है, अगर वो ग्रेविटी बेल्ट उसको मिल जाती है तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलता है। और पानी सस्टेन करने के लिए, जैसे आपने बोला जल स्तर कम हो रहा है, पानी का सूखा गिर रहा है, बोरी में पानी होने के बावजूद पानी नहीं मिलता है, तो उसके लिए आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर आप करेंगे तो वो पानी सालों साल सस्टेन होता है, क्योंकि बारिश हर साल गिरती है, चाहे कम गिरे या ज़्यादा गिरे, पर बारिश होती है। अगर वही बारिश को हम अपने ज़मीन से डाइवर्ट न करके, किसान लोग क्या करते हैं, कभी कभार ज़मीन में बारिश ज़्यादा हो गई तो नहर बना देते हैं कि भैया ज़्यादा पानी आ गया तो पानी वेस्ट हो, अपना फसल बर्बाद हो जाएगी, उससे अच्छा वो पानी को आप नहर बना के बोरिंग में रिचार्ज कीजिए, तो आपका वो पानी जो है वो अंदर स्टोर होगा और आपको सालों साल उसका बेनिफिट मिलता जाएगा। आप हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि जैसे आप पानी की किल्लत, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है, उसमें आपको बहुत सी कठिनाइयाँ भी आती होंगी, आपकी टीम कैसे काम करती है, आप कैसे पता लगाते हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम है कहाँ नहीं है, मतलब कैसे काम करते हैं आप? देखिए, बोरिंग में पानी का, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि पानी कोई भी ज़मीन में पैदा नहीं होता है, वो अपना प्रकृति कुदरत सब उसके इशारे देती है। अभी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताऊंगा। समझो आप रास्ते पे जा रहे हैं या मॉर्निंग वॉक के लिए आप निकले हैं, तो आप नेचर झाड़ को देखते हैं, ट्रीज़ को देखते हैं, कोई ट्रीज़ ऐसा झुका हुआ है, कोई ऐसा झुका हुआ है, किसी की ब्रांचेज ऊपर जाके बाइफिकेट, ज़्यादा हाइट पे जाके बाइफिकेट होती है, किसी की कम शॉर्ट डेप्थ में होती है, किसी झाड़ का फैलावा ज़्यादा रहता है, कोई झाड़ एकदम फैलावा कम रहता है। तो ये सब जो बिहेवियर है, जैसे हमको मालूम है कि झाड़ में भी जान है, तो झाड़ अपना विकास कैसे करता है, झाड़ को विकास करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, पानी। अगर वो पानी उसको सही तरह से नहीं मिलेगा तो वो फल फूल नहीं पाएगा। तो ऐसे कुछ इंडिकेटर्स हैं झाड़, जो प्रकृति के अपने नियम के हिसाब से हमें बताते हैं कि पानी का क्या मूवमेंट है। तो वो जो अपने को दृष्टिकोण है या वो चीज़ हम लोग जो नेचर कुदरत जो आपको बता सकती है, वो कोई मशीन नहीं बता सकती है। तो ये सब चीज़ जो टोपोग्राफी है या ज़मीन का लेवल है या उतार चढ़ाव है या वहाँ के जो पानी के स्रोत है, पत्थर का क्वालिटी है, वो सब चीज़ ध्यान में रख के
उसको सर्वे करेंगे तो पानी मिलता है। मतलब आपकी टीम कैसे काम करती है, हम इस बारे में भी जानना चाहेंगे कि मतलब कैसे पता चला। यही सर टेक्निकल चीज़ें ध्यान में रख के काम करती है। हम लोग ना सिर्फ खाली खड्डा खोदने में मानते हैं, हमारा लक्ष्य है कि जब कस्टमर पैसा या कोई भी गरीब किसान जब पैसा डालता है ड्रिलिंग के लिए तो उसको पानी के लिए पैसा डालता है तो उसको वो चीज़ मिलनी चाहिए। देखिए बोरवेल में पानी कम लगना ज़्यादा लगना या नहीं लगना जो महाराष्ट्र रीजन है, मैं आपको इसमें थोड़ा और बायफर्केट करूँगा। बोरवेल दो तरह के होते हैं, एक तो होता है ट्यूबवेल, दूसरा होता है बोरवेल। ट्यूबवेल मतलब जहाँ पे ड्रिलिंग पत्थर बहुत नीचे डेप्थ में मिलता है और रिवर बेड जो एरिया रहता है जैसे गुजरात कलकत्ता साइड हो गया पंजाब हो गया, वहाँ कुछ कुछ जगह पे जहाँ पे रिवर बेड है वहाँ पे जितना ड्रिलिंग करो उतना आपको पाइप डालना पड़ता है, लार्जर डायमीटर ड्रिलिंग होता है और आजू बाजू में फिल्ट्रेशन करके वो रिवर बेड से पानी आता है। बोरवेल मतलब ड्रिलिंग इन द रॉक, आप एक बार रॉक लग गया पूरी पृथ्वी क्रॉस करो पत्थर ही लगेगा। तो यहाँ पे ड्रिलिंग की सिस्टम अलग होती है, वाटर फाइंडिंग की थियोरी अलग होती है और वहाँ पे भी ड्रिलिंग की सिस्टम अलग होती है, वाटर फाइंडिंग की थियोरी अलग होती है। तो हम लोग ये सब चीज़ को ध्यान में रख के कस्टमर का पैसा या कोई भी आदमी जो बोरिंग करवाता है उसका पैसा वेस्ट नहीं हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको टेक्निकल चीज़ में इन्वॉल्व होकर हमारी टीम वही ध्यान रखती है। सबसे पहले हमारे जियोलॉजिस्ट की टीम जाती है, वो वाटर फाइंडिंग सर्वे करती है, ये सब जो बारीकी से उसको स्टडी करते हैं टोपोग्राफी क्या है जियोलॉजी क्या है नेचुरल ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन क्या है, फिर हम नेचुरल डाउजिंग करते हैं। उसके बाद हम लोग हमारी कंपनी 40 इयर्स से ये लाइन में है तो हमारे पास हर एक एरिया के रिकॉर्ड्स हमारे पास मौजूद हैं कि ये पर्टिकुलर रीजन में पानी का स्रोत क्या है, क्या डेप्थ पे पानी मिल जाता है, पत्थर का क्वालिटी कैसा हो सकता है। तो यहाँ पे ड्रिलिंग हमको हाई प्रेशर ड्रिलिंग से करना है या लो प्रेशर से करना है तो वो सब चीज़ टेक्निकल हम लोग असेसमेंट करते हैं, जिसे हम लोग असेसमेंट करने के बाद में ड्रिलिंग करते हैं। अभी जहाँ इंडस्ट्रीज हो गई जहाँ पे उनको ह्यूज क्वांटिटी रिक्वायर्ड है तो जैसे रोज़ का 1,00,000 लीटर पानी चाहिए 2,00,000 लीटर पानी चाहिए तो वहाँ पर हम लोग पहले सर्वे करते हैं हमारी टीम, फिर हम लोग टेस्ट बोरवेल करते हैं फॉर्मेशन का, एक एक हम लोग 5 फुट पे क्या है 10 फुट पे क्या है 15 फुट पे क्या है पूरा उसको डिटेल एक लॉगिंग शीट बनाते हैं। जैसे अपन बॉडी का कार्डियोग्राम करते हैं वैसे वो उसका पूरा लॉगिंग शीट बनाते हैं, कार्डियोग्राम निकालते हैं और फिर उसका प्लस एंड माइनस फैक्ट्स एंड फिगर्स समझ के पूरा उसको डिज़ाइन करते हैं। क्योंकि पानी क्या है हर जगह मौजूद नहीं है, पत्थर में और रिवर बेल्ट में भी फ्लक्चुएशंस आता है। अगर ग्रेविटी बेल्ट में आप करते हो पानी का जो फ्लो पाथ है तो आपको वहाँ पे रिजल्ट मिलेगा और पानी लाइफ टाइम सस्टेन होगा। जी हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया कि आप आपकी पूरी टीम तरीके से काम करती है, आप जाते हैं आप मिट्टी चेक करते हैं और सब कुछ, मतलब भारत में बहुत से ऐसे दूर दराज के एरिया हैं गांव देहात के एरिया जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर ना के बराबर है, वहां के लोग भी बहुत गरीब हैं, उन लोगों तक आप कैसे पहुंचते हैं, क्या मतलब अगर वहां पहुंचने के बाद सरकार आपका साथ देती है? नहीं सरकार भी बहुत अच्छे काम कर रही है। आप कभी भी अभी हम लोग समझो कोई अनजान एरिया में चले गए या जहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है या जब कोई तकनीक अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे सरकार ने हर एक ज़िले में हर एक गांव में जैसे सरकार का GSDA डिपार्टमेंट है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड डिपार्टमेंट है उनके पास पूरा डेटा, उन्होंने वहाँ पर ड्रिलिंग करके जैसे हम लोग भी ड्रिलिंग करके जैसे डेटा कलेक्ट करते हैं वैसे उन्होंने डेटा कलेक्ट किए हुए हैं, वो सब सरकार हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, उसके बेस पर हम लोग अपना अनुमान लगाते हैं अपना नॉलेज यूज़ करते हैं, प्रैक्टिकल साइट का क्या कंडीशन है किस तरह से पानी का अवेलेबिलिटी है, आजू बाजू के ड्रिलिंग कॉन्ट्रैक्टर्स से हम लोग संपर्क रखते हैं, हम उनसे पूछताछ करते हैं और फिर पूरा बॉटम तक जाने के बाद में हम इसका रिजल्ट निकालते हैं। गाँव में जैसे आपने बताया कि लोगों के पास पानी नहीं रहता है तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा आप नमस्कार न्यूज़ के माध्यम से कि देखिए बोरिंग करने का खर्चा आज हमने बहुत मैंने मुझे तो बहुत तकलीफ होती है जब मैं सुनता हूँ कि किसान ने पानी की वजह से आत्महत्या की, तो वो जो किसान जो अपने पूरे देश के लिए अनाज उगाता है पूरे देश के लिए मेहनत करता है तो वो किसान जब पानी के लिए मर जाता है तो वो बहुत करुणा वाली चीज़ होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो कंपनी है बोरवेल्स इंटरनेशनल करके तो हम लोग एक ऐसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ से हम लोग एक ब्लॉगिंग भी करते हैं जहाँ पे हम लोगों को बताते हैं कि भाई ड्रिलिंग कैसा होना चाहिए किस तरह से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है। और मैं कहना चाहूँगा कि ये सब्जेक्ट विषय आज पब्लिक को अवेयरनेस है क्योंकि पानी का रिप्लेसमेंट कुछ भी नहीं है, आप कहीं भी चले जाओ
गरीब से गरीब आदमी से लेके मिनिस्टर तक, प्रधानमंत्री तक को पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो पानी सबके लिए बहुत असेंशियल है, और इसके लिए जब सरकार भी हमको मदद रूप रहती है, इन्फॉर्मेशन देती है, कहीं हमको अगर ड्रिलिंग करना है, रिग अवेलेबिलिटी नहीं होती है तो गरीब किसानों को वो GSDA वाले अपनी खुद की रिग से ड्रिलिंग करके देते हैं, तो सरकार बहुत मदद रूप है। बट कुछ पॉलिसीज ऐसी है जो मैं सरकार के नोटिस में लाना चाहूँगा, जैसे GST हो गया। अभी आपने किसान के लिए पानी, जो इतनी रिमोट कमोडिटी है किसान के लिए, एक ह्यूमन बींग के लिए और एक जानवर के लिए भी, तो उस पर आपने ड्रिलिंग के ऊपर GST लगाया हुआ है। ड्रिलिंग होता है पानी के लिए, तो जैसे किसान को आपने बीज के ऊपर या फर्टिलाइज़र के ऊपर GST अलाउ नहीं है, ज़ीरो है, तो वहाँ पे वो जब GST आप नहीं देते हो, आप फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स, जैसे APMC में ट्रेडर्स रहते हैं उनको फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल्स पे GST अवेलेबल नहीं है, वो तो ट्रेडिंग करते हैं बाकायदा, वो उगाते भी नहीं है, दे आर नॉट फार्मर्स, फिर भी उनको बेनिफिट मिलता है। तो आप ये ड्रिलिंग जो इम्पोर्टेंट है, खाली आप वाटर वेल ड्रिलिंग पे, मेरा कहना ऐसा नहीं है कि आप सरकार देखिए, सरकार जब प्याज टैक्स के रूप में जब राशि आती है तो ही सरकार कुछ लोगों के लिए कर पाती है। मेरा ऐसा कहना नहीं कि आप उसको नील कर दो या वाइप ऑफ कर दो, बट जैसे रेस्टोरेंट में सरकार ने कैसे किया, 12% का GST था, उसको ला के 5% पे रख दिया। रेस्टोरेंट इज़ अ लीजर आइटम, वो आपकी ज़रूरत की चीज़ नहीं है, बट पानी ज़रूरत की चीज़ है। तो कोई भी शहर में या कोई भी गांव में या कोई भी ज़िले में या जो कोई भी खेड़े में जब ड्रिलिंग होता है पानी के लिए, तो क्या होता है, अभी GST का नियम है कि अगर मैं आपको कुछ चीज़ बेचता हूँ तो उस पर GST लगा के आपको प्राइस देता हूँ, तो GST का भार कस्टमर पर आता है। वैसे ही हम भी जब GST लगाते हैं तो हम हमारे ड्रिलिंग रेट में वो ऐड करके कस्टमर से लेते हैं। तो ये जो अधिभार गिर रहा है, और आज डीजल की कीमतें भी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही है, तो ये जो अधिभार हो रहा है पानी के लिए, और पानी के लिए जब हम इतनी मशक्कत करते हैं, लोगों को मरते हुए देखते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ नमस्कार न्यूज़ की तरफ से या आपके माध्यम से कि भैया सर, आप ये पानी का जो प्रॉब्लम है उस पर टैक्सेशन है या जो भी आप रियायत दे सकते हो, आज 18% ड्रिलिंग का टैक्सेशन है, आप उसको 5% कर दीजिए। हम सरकार के साथ हैं, हमेशा रहेंगे, सरकार भी हमें बहुत मदद रूप रहती है। तो अगर इस तरह से हम ऑर्गेनाइज करके चलेंगे और इसकी अहमियत समझेंगे तो बहुत बेनिफिशियल रहता है, और टेक्निकलिटी में हमारी कंपनी कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। अगर ये इस तरह से काम होना है, प्रोसीजर वाइज काम होना है, तो हम वही हिसाब से काम करते हैं, टेक्निकलिटी छोड़ के नहीं करते। और हम किसानों के लिए तो हमने एक स्कीम भी बनाया है, जैसे समझो एक गांव है, वहाँ पे 50 किसान लोग हैं, अभी पानी सबको चाहिए। आप 50 किसान अपना अपना लोन निकल के बोरिंग खोदेगा, वो इंडिविजुअल उसके ऊपर बर्डन आता है। तो हमने क्या किया, कम्युनिटी ड्रिलिंग कर दिया, मतलब एक गाँव है तो वहाँ पर हम लोग एक पर्टिकुलर लोकेशन करते हैं, और वहीं से पानी पूरे गांव के लिए हम लोग इकट्ठा करके हार्वेस्टिंग यूनिट बना के पूरा उसको मैनेजमेंट करके, वाटर फाइंडिंग करके, लॉगिंग शीट बना के, टेक्निकली पूरा साउंड करके, हम उनको रिजनेबल रेट में कम्युनिटी, क्या होता है जब अलग अलग इंडिविजुअल पे बर्डन आता है ना, तो हर एक परेशान हो जाता है, बट जब सब मिल के कुछ करते हैं तो किसी पर बर्डन नहीं आता है। तो हमारी कंपनी बोरवेल्स इंटरनेशनल किसान लोग के लिए कम्युनिटी ड्रिलिंग का भी एक ऑफर देती है। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जो सेवाएँ हैं, जो आप काम कर रहे हैं, वो मुंबई महाराष्ट्र तक ही हैं या देश के कोने कोने में भी आपको जहाँ पता चलता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, गरीब परेशान है या पानी की किल्लत है, तो आप हर जगह पहुँचते हैं? हम हमेशा कहीं भी काम कर सकते हैं। हम बोरवेल से ना कि सिर्फ महाराष्ट्र में ना मुंबई में, हम ऑल ओवर इंडिया काम करते हैं, और कोई भी हमें कभी भी संपर्क कर सकता है बोरवेल के लिए या रेनबो हार्वेस्टिंग के लिए, टेक्निकलिटी समझने के लिए, हम हमारा नॉलेज शेयर करने के लिए भी रेडी है। तो हम देखो, पानी एक ऐसी चीज़ है जिस पे हर एक का हक है, तो पानी के लिए हम कहीं भी जाते हैं, और पब्लिक को हम लोग ना सिर्फ ड्रिलिंग करके देते हैं, बट हमारा उद्देश्य यही है कि पब्लिक को रिजल्ट भी मिलना चाहिए। और हम लोग ऑल ओवर इंडिया काम करते हैं, हमने पंजाब में काम किया हुआ है, हमने दिल्ली में काम किया हुआ है, हमने महाराष्ट्र में काम किया हुआ है, हमने राजस्थान में काम किया हुआ है, हमने आपको गुजरात में काम किया हुआ है, तो वी आर गोइंग एवरीवेयर। तो हम लोग कोई सीमित नहीं है, हमारी सर्विसेज सब जगह अवेलेबल है, और हमारी टीम भी सब जगह आपके पास पहुंच सकती है। और हम यही चाहते हैं कि लोगों को पानी तक हम पहुँचाएँ,
और उनकी प्यास बुझाए। जी आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब अभी सुनने में आया कि गवर्नमेंट ने 200 फीट से नीचे पानी की खुदाई मतलब ड्रिलिंग बंद करवा दी है, तो ऐसे जानकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जो ये न्यूज़ आई है वो बहुत सही मतलब एकदम, मैंने भी ये न्यूज़ को पढ़ा था और हमारा पूरा भारत में एक ऑल इंडिया रिगोनर्स वेलफेयर एसोसिएशन बना है जिसका हेड ऑफिस है तमिलनाडु में, जहाँ पे ज़्यादा करके रिगे चलती है, और हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है जयपुर में। तो हमारे पास सब ड्रिलिंग रिग वाले आए थे, रिग ओनर्स आए थे कि भैया ये बोरिंग बैन करने से तो प्रॉब्लम सॉल्व होता नहीं है। आज आपने बोल दिया 200 फुट के नीचे ड्रिलिंग मत करो, बट हर एक जगह अलग अलग फॉर्मेशन रहता है, कहीं पे 300 पे पानी मिलता है, कहीं पे 600 पे मिलता है, कहीं पे 800 पे मिलता है, तो 200 फुट का कैपिंग करना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। हाँ, मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहूँगा, आप कुछ बेहतर करने के लिए प्रयत्न कर रहे हो तो हम आपके साथ में हैं, और हमारे पास पूरा डेटा अवेलेबल है, जैसे कहाँ पे क्या डेप्थ रहती है, किस तरह से काम होता है, कहाँ पे क्या टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ड्रिलिंग की मेथडोलॉजी आप इम्प्रूव कीजिए। क्या होता है कि ड्रिलिंग अगर सही तरह से नहीं हुआ तो आपको लगा हुआ पानी भी नहीं मिलता है कभी कभार, और फेलियर का रेशियो बढ़ जाता है। फिर आप किसान क्या करता है, मरता क्या नहीं करता, ऐसी हालत हो जाती है, दूसरा बोरिंग, तीसरा बोरिंग, और वही सर्कल में वो बेचारा फंस के ब्याज के दर में घुस के पानी भी नहीं मिलता है, बोरवेल भी फेल जाता है, ज़मीन का भी वो आपने ज़्यादा ड्रिलिंग कर दिया तो आपको लगता है कि भैया पानी का स्तर नीचे चला गया। तो आपको मेरी सरकार से यही एक सजेशन देना चाहूँगा या फिर उनको एक इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि हमारी जो संस्था है बोरवेल्स इंटरनेशनल, जो ऑल इंडिया रिगोनर वेलफेयर एसोसिएशन के साथ जुड़ी हुई है, हम टेक्निकली उनको गाइडेंस करते हैं और उनको हर एक रिग ओनर को हम लोग बताते हैं कि आप ड्रिलिंग की मेथडोलॉजी इम्प्रूव कीजिए, ड्रिलिंग सही तरह से कीजिए, हर एक फॉर्मेशन को समझ के, पानी के स्रोत को समझ के, और दूसरा अगर आपको नियम लागू करना है तो ऐसा नियम लागू कीजिए कि आप ड्रिलिंग करने के साथ में आप हार्वेस्टिंग कंपलसरी कीजिए। हार्वेस्टिंग से क्या होगा कि बारिश का पानी पूरा, जैसे अपन ने ज़मीन से 10 लीटर पानी निकाला तो आप 10 लीटर अंदर डाल दो, वो सॉल्यूशन है। बोरिंग बंद करना सॉल्यूशन, क्योंकि किसान के पास चीपेस्ट ऑप्शन बोरवेल है, और आप हर जगह तो नहर पहुंचा नहीं सकते हो, दैट इज़ मतलब खर्चा आता है, बजट बढ़ता है, तो पॉसिबिलिटी उसकी बहुत मुश्किल है। बट अगर बोरवेल में अगर आप यह सिस्टम अप्लाई करोगे, आज बारिश हर जगह गिरती है, 1 इंच बारिश गिरेगा 1 स्क्वायर फुट में कम से कम 3 लीटर पानी आता है। आप समझो एक एकड़ का ज़मीन है तो उसमें 45,000 स्क्वायर फीट है, आपका एवरेज रेनफॉल समझो 25 इंच का हो गया तो 75 लीटर पर स्क्वायर फुट आपको पानी मिलता है। तो 75 × 45,000 आप करोगे तो लाखों लीटर पानी बारिश का आप ऐसे ही बह जाता है। तो वो चीज़ को आप इम्प्लीमेंट कीजिए, ना कि बोरिंग को बैन लगा के कीजिए, क्योंकि बैन लगाने से सॉल्यूशन नहीं आएगा, और किसान लोग भी बेचारे पानी की वजह से बैन हो गया तो डीप नहीं जा सकते हैं, जहाँ पानी का स्तर एक्चुअल में 300 फुट पे है वहाँ पे वो ड्रिलिंग नहीं कर पाएंगे, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। एक आखिरी सवाल आपसे, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे कि पानी को कैसे बचाया जाए, कैसे कंजर्व करा जाए, बहुत ही अनमोल चीज़ है पानी पूरे दुनिया की, इंसान जी नहीं सकता बिना पानी के, तो कैसे आप बताएंगे दर्शकों को कि पानी को हमें बचाना चाहिए? देखिए पानी बचाने का सबसे सरल तरीका है कि आप पानी को समझ के यूज़ कीजिए। आज हमारी स्थिति ऐसी है कि हमारे पास पानी है तो हम पानी पे धड़क यूज़ करते हैं, जो काम एक बकेट में हो सकता है या एक छोटे से मग में हो सकता है वो काम हम आधे बकेट में हाथ धोने के लिए नल के नीचे कर डालते हैं। तो वहाँ पे देखो, जहाँ पे मैंने कहीं ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया है कि आप किसी को सुधार नहीं सकते, तो ऐसी चीज़ें आती है, ऐसी टेक्नोलॉजी भी अपने पास अवेलेबल है कि जहाँ पर आपको आप फ्लो रेट कंट्रोल कर सकते हो आपके नल का, आप पाइपलाइन प्लम्बिंग में कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, तो ऐसे कुछ जो वाटर सेविंग ऑप्शंस है उसको आप अडॉप्ट कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ आज की बिजी लाइफस्टाइल में किसी के पास बकेट लेके नहाने का टाइम नहीं है, तो आप ऐसे कुछ ऑप्शंस अडॉप्ट कीजिए कि जिससे आपका काम भी सॉल्व हो और पानी का जो फ्लो रेट है उसको कंट्रोल में कीजिए, पानी जुडिशियली यूज़ कीजिए, पानी आपके लिए है, सबके लिए है। आप अगर ज़्यादा उसको वेस्ट करेंगे वो गटर में ही जा रहा है, ना किसी के पेट में जा रहा है पीने के लिए, ना किसी के खेत में जा रहा है फल उगाने के लिए। तो आप ये जो है शहरों में एटलीस्ट
और गाँव में भी लोग तो आज की तारीख में शावर में तो इतने नहाते नहीं है, बट शहरों में ज़्यादा दिक्कत होती है पानी बचाने की। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और सबसे महत्व की चीज़ है पानी की इम्पोर्टेंस समझना। जब अपने को प्यास लगती है तो हम हर जगह ढूंढते हैं, मोटरसाइकिल रोक के, कार रोक के पानी की बोतल खरीद लेते हैं क्योंकि वो प्यास लगी है। तो वो प्यास की जो अहमियत है उसको आप समझिए, क्योंकि आप जब भी वो प्यास को समझोगे तो ही आपको लगेगा कि नहीं, मुझे पानी बचाने के लिए कुछ करना है। आज आप हो, आपका फ्यूचर जनरेशन है, सबको पानी लगने वाला है। और आज हम पानी की किल्लत इतनी बढ़ गई है कि लोग चंद्रमा पे और मंगल ग्रह पे पानी ढूंढने लग गए, जबकि अपने पास 75% ज़मीन में पानी अवेलेबल है अपने आजू बाजू। तो ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। तो खुद लोगों को ही जानना पड़ेगा, हमको ही जानना पड़ेगा, और पानी की अहमियत समझ के सही डिसीजन लेके उसको यूज़ करना पड़ेगा। यश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए। तो दर्शकों, ये थे यश जी, जिन्होंने बताया कि जल कितना ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। इन्होंने बताया कि हम पानी अगर वेस्ट करते हैं तो वो सीधा समुद्र में जाता है, ना किसी के पेट में जाता है, ना ही किसी किसान के खेत में जाता है। तो दर्शकों, पानी का सही यूज़ करें, जल है तो जीवन है। धन्यवाद।